दोस्तों सनी देओल ने गदर 2 की रिलीज को लेकर गूगल पर अपने मेल के जरिए लिखते हुए कहा कि अब गदर 2 थिएटर पर नहीं की जाएगी रिलीज, जिससे उनकी दर्शक हो गए नाराज। जी हां दोस्तों, अब गदर 2 थिएटर पर नहीं होगी रिलीज। सनी देओल की ये डिसीजन उनकी दर्शक के लिए भारी पड़ गई। दोस्तों हम आपको बता दें कि सनी देओल की ये गदर 2 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी डिसीजन है। दोस्तों क्या है पूरी जानकारी, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि 2021 से लेकर आज तक जितनी भी फिल्में बॉलीवुड ने बनाई है, चाहे वह अक्षय जैसे बड़ी अभिनेता की फिल्में हो या फिर किसी का भी फिल्में हो, वो फ्लॉप ही रही है। इससे भी उन्होंने इतने बड़े डिसीजन को नहीं लिया था। लेकिन क्या ऐसी बात रही होगी जिसके सामने सनी पाजी जैसे जिद्दी अभिनेता भी हार गए। दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि शाहरुख खान की पठान मूवी का एक गाना परसों YouTube पर रिलीज किया गया, जिसको देखने के तुरंत बाद पठान मूवी की दर्शकों ने उस मूवी को लेकर बायकॉट पठान ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। देखा जाए तो इस सॉन्ग में बहुत ज्यादा अश्लीलता नहीं था, लेकिन फिर भी क्यों पता नहीं लोगों ने इसे इतने दिनों के नाम को चंद मिनटों में मिट्टी में मिलाकर रख दिया, जिससे आज पठान फ्लॉप होने की कगार में है। इसीलिए हमारे सनी पाजी ने इतनी बड़ी डिसीजन को लेने के लिए मजबूर हो गए, बस इसलिए क्योंकि इस मूवी को भी अभी दर्शक बहुत चाहते हैं। पठान फिल्म की तरह उन्होंने सोचा, अगर हमने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया तो सबसे पहले हमें इसकी ट्रेलर और गाना यूट्यूब पर रिलीज करने होंगे। अगर हमने भी कुछ ऐसा ही गलती किया तो हमारे साथ भी वही होगी जो पठान के साथ आज हुआ, क्योंकि दर्शक आज फिल्मों में बहुत ज्यादा कमियां ढूंढ रहे हैं। इसीलिए इन्होंने इस मूवी को थिएटर में रिलीज करने से बेटर OTT को समझा। दोस्तों क्या सनी देओल जी को ऐसा करना चाहिए था, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब बटन के साथ खेलते रहिए।